बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर नरवाना से है। दरअसल रेलवे कॉलोनी में महिला की हत्या का मामला और उस मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। मां की हत्या के बाद बेटे ने भी खुदकुशी की है। आपको बता दें मोहल खेड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर शव बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो नरवाना से बड़ी खबर, रेलवे कॉलोनी में महिला की हत्या के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। आपको बता दें मां की हत्या के बाद बेटे ने भी खुदकुशी की है। मोहल खेड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर शव बरामद हुआ है। पुलिस ने फिलहाल अब पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें रेलवे कॉलोनी में महिला की हत्या का मामला और उस मामले से जुड़ा यह बड़ा अपडेट। मां की हत्या के बाद बेटे ने भी खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें मोहल खेड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर इस युवक का शव बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और अब पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। रेलवे कॉलोनी में महिला की हत्या का मामला, बेटे पर इल्जाम। आपको बता दें मां की हत्या के बाद बेटे ने अपनी भी जान दे दी है। सूचना दी थी कि वह एक डेड बॉडी किलोमीटर नंबर 6 दरमियान रेलवे स्टेशन नरवाना गुरतली पर ट्रेन चालक ट्रेन नंबर 19707 जयपुर चंडीगढ़ से कोई बंदा कट गया है, जो इस सूचना पर मैं मौका गया और उसके बाद लाश को उठा के ले गया है और बाद में लाश की शनाख्त अजय सनो प्रमकुमार रेलवे कॉलोनी नरवाना के रूप में हुई। तो अभी आपने क्या कार्रवाई की है? हमने 174 की कार्रवाई कर रहे हैं, जांच जा रही है। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी राम निवास के पास चलना चाहेंगे जो तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, मैं चाहूंगा आप ये विस्तार से बताएं क्या कुछ ये पूरा प्रकरण है, जब युवक की लाश बरामद की गई उसके बाद पुलिस का क्या कुछ कहना था। जी मैं आपको बता दूं, आज सुबह रेलवे कॉलोनी नरवाना में सनसनीखेज मामला सामने आता, जहां एक बेटे ने अपनी मां की सिलेंडर मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद बेटा घर में रखे कपड़ों में आग लगाकर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी मां को सामान्य अस्पताल हॉस्पिटल नरवाना में दाखिल कराया गया था। उसके बाद घंटे के बाद पता चला रेलवे पुलिस ने वहां से जयपुर चंडीगढ़ के नीचे आके कोई युवक कटकर मर गया है। उसके बाद पुलिस जो ही उसको हॉस्पिटल में लेकर पहुंची तो वहां परिजनों ने उसकी पहचान अजय सनो रामकुमार के रूप में की। बाद में पता चला कि जिस बेटे ने मां की हत्या की थी उसी बेटे ने ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर लिया है। जी राम, मां की हत्या के पीछे की वजह क्या कुछ बनी, कुछ पता चला, इसका खुलासा हुआ कुछ अभी तक? प्राथमिक सूचना के आधार पर यह पता चला कि युवक मानसिक रूप से परेशान था। पिछले लगभग 6 महीने से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था, जिसके चलते इसने इस घटना को अंजाम दिया। राम, पुलिस अब इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रही है, कैसे पुलिस अब इस पूरे प्रकरण में आरोपी, क्योंकि आरोपी की मौत हो चुकी है, अब कैसे आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी? जींद से सीएफएल की टीम भी पहुंच चुकी है और पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है इसके पीछे के कारणों का, क्योंकि इससे पहले भी इस युवक की पहली पत्नी का तलाक हो चुका था, उसके बाद दूसरी पत्नी का भी तलाक हो चुका था। अच्छा। और रेलवे में डी ग्रुप में नौकरी करता था युवक, जिसके चलते सीएफएल की टीम पूरे प्रकरण को, पूरी जांच को सभी एंगलों से जांच कर रही है। राम, युवक के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? अभी तक इसके परिजन बोलने की हालात में नहीं है, इसका छोटा भाई है सिर्फ, बाकी और कोई परिवार में अभी तक नहीं है। इसकी बहन अभी तक आई नहीं है, सिर्फ 2 भाई और 1 बहन थे। इसकी माँ की मौत हो चुकी है, इसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। इस बारे में कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। राम, युवक का शव कहाँ से बरामद हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि मोहल खेड़ा के आसपास कोई इलाका है जहाँ से इसका शव बरामद हुआ है? युवक का शव नरवाना के पास मोहल खेड़ा गाँव पड़ता है, वहाँ पर जो कुरुक्षेत्र से नरवाना की तरफ रेलवे पटरी जाती है। हाँ। जहाँ पर जयपुर से चलकर ट्रेन सुबह कुरुक्षेत्र जाती है, उसके नीचे कट के मौत हुई है और मोहल खेड़ा के गांव के पास इसका शव बरामद हुआ है। रेलवे पुलिस ने शव बरामद। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, माँ की हत्या हुई, माँ के बाद बेटे ने सुसाइड कर ली, ये कहा जा रहा है। माँ की हत्या के पीछे की वजह का भी आपने जिक्र किया, कैसे खुलासा हुआ कि बेटे ने ही माँ की हत्या की है? पड़ोसियों ने बताया, क्योंकि जब वो आग लगी तो पता चला पड़ोसियों के सामने बेटे ने कहा था कि मैंने अपनी मां को मार दिया सिलेंडर मार के, और उसके बाद उसने कपड़ों में आग लगा दी। पड़ोसियों ने सोचा कि सिलेंडर में आग फटने से पड़ोस में पहुंच जाएगी, इस करके उन्हें तुरंत आनन में पुलिस को बुलाया और मौके पर पुलिस पहुंची। उससे पहले ही ये युवक फरार हो चुका था, लेकिन पड़ोसियों के सामने ऊंची आवाज में कह रहा था कि मेरी मां को मार दिया है सिलेंडर मार के।
अच्छा। तब जाके पता चला पड़ोसियों ने यही बताया, अजमेर युवक का कहना था कि उसने उसकी माँ को सिलेंडर मार के मार दिया है। चले राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।